गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया दिल्ली में। कल तो इतनी बारिश हुई, कल सुबह से बारिश होती रह गई। 7 या 8 बजे से बारिश स्टार्ट हुई और रात में होती ही रह गई। मतलब 7, 8, 9 बजे तक तो बारिश हो ही रही थी। जब तक हम लोग मतलब बाहर दरवाज़ा खोल के देखे तो बारिश हो रही थी। पता नहीं कब रात में बंद हुई थी कि नहीं। और मौसम आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, एकदम अंधेरा सा हो रखा है। और कपड़े धुलना था, इतना ढेर सारा हो गया था, 2 दिन कपड़े नहीं धुली थी। कल जैसे ही सोची मशीन लगाने के लिए, लेकिन देखी तो बारिश लग रहा था ना, बंद ही नहीं होगी, तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई थी। और सोची आज धुल लूँ, नहीं तो कहीं ये होगा ना, कितने दिन नहीं धुलोगे? अगर नहीं धुलूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कपड़े भी हो जाएंगे और सूखेंगे नहीं फिर। तो मैं सोची आज बारिश हो चाहे ना हो, क्योंकि मौसम ख़राब तो आज भी लग रहा है, लेकिन आज मैं सोची हूँ ना कि मशीन लगा देती हूँ। तो आज उठते ही मैं सबसे पहले ना नीचे थोड़ा सा खाने का वो करके प्रिपरेशन करके आ गई मैं ऊपर। मैं कि पहले मशीन लगा देती हूँ, धुलता रहेगा कपड़े, और मैं जो है कि नीचे फिर खाना बना लूँगी। और मार्केट भी नहीं गई मैं, कल इतनी बारिश होती रह गई और 2 दिन से गई नहीं मार्केट। तो सारी सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। जितना भी सब था फ्रिज में सब खत्म हो गया, सिर्फ आलू वगैरह है। तो सोच रही थी आज ना मैं दाल बना लूँगी चने की, वही चना दाल भिगो के आई हूँ, प्याज वगैरह काट के। और आ गई मैं मशीन लगाने के लिए। चलिए पहले सबसे पहले मैं ना मशीन लगा देती हूँ। गाइस अभी मैंने सब डाल दिया कपड़े वगैरह, अब चला देती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ। और पानी ऐसा हो रखा है ना कि आप लोग समझ सकते होंगे, इतना ज़्यादा चिल्ड हो रखा है पानी, बिल्कुल भी जैसे लग रहा है ना कि हाथ एकदम ना मेरा सुन्न हो जाता है बर्फ़ जैसा। क्योंकि ये मशीन जो है ना नॉर्मल वाली है, तो मुझे हाथ से ही मतलब मिक्स वगैरह करके फिर मैं मतलब डालती हूँ ना, तो ऐसा है। और मेरा हाथ एकदम जैसे लग रहा है ना कि जम जाता है एकदम से। जब तक अब कपड़े खंगालूंगी अगर ना, तो एकदम से मेरा हाथ लगेगा कि सुन्न हो गया। इतना ज़्यादा चिल्ड पानी होता है टंकी का, क्योंकि धूप निकलती है ना थोड़ा गर्म रहता है, धूप जहाँ निकलना बंद होती है तो पानी भी एकदम चिल्ड हो जाता है। तो मशीन ऑन कर देती हूँ, फिर चलते हैं गाइस नीचे। स्टार्ट हो गया, और ये देखिए गाइस मौसम। और ये गाइस मेरा ना करी पत्ता है, ये देखिए पता नहीं क्यों ना एकदम पीला हो रहा है, पीला पड़ रहा है। ये पता नहीं खाद की वजह से, क्योंकि खाद काफ़ी दिन हो गया मैंने डाला नहीं है इसमें, कि बहुत ज़्यादा ये लेंथ इसकी बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये तो शायद इस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसको स्पेस ना कम मिल रहा है, क्योंकि गमला थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा गमला छोटा है। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, सूख रहा है ये देखिए। देखते हैं, खाद लेकर आती हूँ, डाल के देखती हूँ फिर सही हो जाता है कि नहीं। बड़ा अजीब सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों पीला पीला सा हो गया है। बाकी सब तो ठीक है, ये देखिए गाइस। तो मैंने मिर्ची लगाई, वो होता है ना तो बीज होता है, मिर्ची का बीज डाला था तो ये निकल गया है। दो मटर भी मैंने ऐसे ही डाल दिया था तो वो भी हो गए। तो सारे पौधे ठीक है, बट यही ना करी पत्ता जो है ना, ये जो है कि थोड़ा सा येलो येलो हो रहा है, येलो येलो हो रहा है, येलो येलो। देखते हैं, करती हूँ मैं भी इसका कुछ उपाय वगैरह। चलिए जल्दी से बाहर चलते हैं नीचे, बहुत तेज हवा चल रही है, धुलता रहेगा कपड़े। हे गाइस, तो मेरा सारा काम हो गया है, खत्म हो गया है। और अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है, टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है, और सब कुछ हो गया है। और बट मुझे ना, मैं आज बेडशीट भी जो है ना कि धो दी थी, तो अभी मुझे जो है कि बेडशीट बिछानी है। और मैंने वो गई थी मार्केट ना, इससे पहले जो वीडियो डाली थी, तो मैंने दो ना सूट लेकर आई थी, एक रूमा के लिए एक अपने लिए। मैं सोच रही हूँ ना उसको सिलने के लिए दे देती हूँ। तो अभी मैंने कॉल किया था उनको, तो घर पे ही है, मैंने कहा पूछ लेती हूँ, अगर होंगी तो सिल देंगी तो अच्छा है। तो कह रही थी कि हूँ मैं घर पे, आप ले आइए। तो अभी रूमा की क्लास चल रही है गाइस अभी, तो मैं सोची तब तक बेडशीट लगा देती हूँ और उसके बाद रूमा को लेकर जाऊँगी, और अपना भी दोनों का सूट जो है ना दे दूँगी सिलने के लिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं कौन सा सूट लेकर आई हूँ, उससे पहले जो है ना पहले मैं बेडशीट बिछा लूँ।
ये है गाइस, ये जो है ना रूमा ने लिया था उसको थोड़ा हैवी चाहिए था एक्चुअली शादी वगैरह में पहनने के लिए, तो इस तरीके का कुछ ये सूट है और अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। कह रही थी कि दीदी मुझे इस कलर का लेना, मैंने कहा ले लो तुम्हारी पसंद है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे ले लो। तो इसने ये जो लिया था थोड़ा हैवी में लिया था और इसका दुपट्टा गाइस बहुत प्यारा है, ये देखिए इस तरीके का है, अच्छा लगेगा ना। मतलब एक सूट का ये कपड़े लिया था रूमा ने और ये है अच्छा है, मतलब इसमें जो है कि अस्तर और गाइस ये मैंने लिया था, मतलब मुझे थोड़ा ना लाइट कलर चाहिए था क्योंकि मुझे शादी पार्टी के लिए नहीं, मुझे कहीं आने जाने के लिए चाहिए था। तो मुझे ये ना इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे इसका ये दुपट्टा लगा, ये बनारसी दुपट्टा था ना, तो मुझे बहुत पसंद आया। बनारसी सूट भी थे उनके पास, फिर मैं कही ना कि गर्मी में नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि बनारसी जो होते हैं ना सिर्फ आप ठंडी में ही वेयर कर सकते हो क्योंकि गर्मी में थोड़ा ज़्यादा ही गर्म होता है ना। तो मुझे ऐसा लेना था कि बस पहनो दो, एक दो महीने पहन लो, दो चार महीने चल गया, इससे ज़्यादा तो और अच्छी बात है। तो मैंने ऐसी ले लिया इस तरीके का, देखिए ये दुपट्टा है, बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब इस तरीके का है देखिए, तो मैं सोच रही हूँ ना मुझे प्लाजो मन कर रहा है इस पे सिलवाने के लिए, तो देखूंगी या पैंट या प्लाजो। जो एक मैंने ये पर्स लिया था आप लोगों को मैंने बताया ही था उस वाली वीडियो में, तो इस तरीके के जो पर्स होते हैं ना मुझे गाइस बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे ना एक और था क्रीम कलर का, मुझे बहुत पसंद आया था, थोड़ा सा वो बड़ा था तो मैंने नहीं लिया। मैंने बोला है उनसे अंकल से कि आप ना थोड़ा इसी साइज़ का मुझे क्रीम कलर में ला दीजिएगा, तो मैं आऊँगी कभी तो ले आऊँगी। और ये वाले ना बहुत ही अच्छे होते हैं, आप छोटा मोटा अपना हर चीज़ रख सकते हो, जैसे कि मोबाइल भी रख सकते हो, पैसे हो गए और भी जो है, और साइड में टांग लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है इस तरीके का पर्स। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और गाइस एक रूमा जो ली थी इयररिंग ली थी, आप लोग देखे थे पिंक कलर में था तो वो लिया था उसने। तो चलिए फिर गाइस मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से फिर मिलती हूँ। लंच का टाइम हो गया है और निखिल बनाने जा रहे हैं अपना फेवरेट अंडा ब्रेड और रेसिपी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, कि नहीं निखिल? तो बहुत ही अलग तरीके का रेसिपी है ये अंडा ब्रेड की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। और जो बच्चे अंडा ब्रेड खाते हैं मम्मी से बनवा के तो वो खुद भी सीख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से बना के खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा निखिल की ये रेसिपी। कितना लेना बाबू, कितना ले रहा हूँ? चार एग ले रहे हैं ये, और ये इतनी खुशी से बनाता है ना कि पूछिए मत, इतनी खुशी होती कि बस बोल दो कि अंडा बनाना है बाबू। तो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये रेसिपी, ये जो है अंडा ब्रेड तो ज़रूरी बन जाता है घर में। तो ये देखिए अंडे फोड़ गया है और ये है अमूल का बटर है जिसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अमूल बटर से। बटर एक्चुअली ख़त्म हो गया है मंथली राशन, तो हमें राशन भी लेने जाना है, तो हो सकता है मैं शाम को जाऊं राशन भी लेकर आऊं। और उसके बाद गाइस देखिए ये क्या है बाबू, मसाला। तो ये गाइस उसके बाद ये देखिए सबसे टेस्टी जो बनता है इसकी वजह से, ये है मैगी मसाला। इसमें गाइस पड़ेगा थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, बस और कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस देखिए बस सिर्फ इसमें मैगी मसाला डाल दीजिए और ये खाने का जो जादू होता है मैगी मसाला जो बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, तो आप अंडा मैगी मसाला डाल के अंडा ब्रेड बना के एकदम से मस्त खाइए सॉस के साथ। ये देखिए गाइस अंडा जो है अच्छे से फेंट लिया गया है, और गाइस मार्केट में जो अंडा ब्रेड बनता है या आप घर पे जो प्याज वगैरह डाल के अंडा ब्रेड बनाते हो तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन एक बार आप लोग जरूर से ऐसा बनाइएगा और अपने बच्चों को जरूर खिलाइएगा। गाइस बटर और लगा के ये देखिए अच्छे से ब्रेड को अंडे में डिप करना है इस तरीके से, दिखाओ निखिल, इस तरीके से डिप तरीके से जो है ब्रेड को सेक लीजिए इस पे रखकर। Thank you.
चप के साथ आप खाइए, एंजॉय करिए। तो देखा गाइस आप लोगों ने कितना आसानी से, कितना जो है कि इजी तरीके से अंडा ब्रेड जो है कि रेडी हो गया है। कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं है और खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और इसको जो है कि हम खाएंगे केचप के साथ। तो ये जो है कि ये तैयार हो गया है और दूसरा बैच जो है कि तो फिर हम लोग ले चलेंगे और फिर अंडा ब्रेड एंजॉय करेंगे। उसके बाद गाइस देखिए हम लोग आ गए थे, मैं और रूमा आ गए थे मार्केट, और मार्केट में वही फिर हो रहा है जैसे पहले था कोविड के वजह से, जो है कि मार्केट जो है कि 8 बजे तक बंद हो जा रही है, सभी मार्केट पूरी मार्केट बंद हो जा रही है। और सैटरडे और संडे जो 2 दिन है गाइस पूरी मार्केट ऑफ रहेगी पूरा दिन के लिए। तो बहुत ज़्यादा सभी लोग परेशान हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइस मुझे ना सब्जियाँ भी ख़त्म हुई थी, ग्रोसरी भी ख़त्म हुई थी और कुछ जो है ना गार्बेज बैग वगैरह भी खत्म हुए थे, तो वो यहीं पे मिलते हैं बिग बाज़ार में यहाँ पे। तो फिर मैं वही गार्बेज बैग लेना था और 1-2 कप ले लिया मैंने लेना था। तो यही आई मैं, तो यहाँ पे भी वही भैया लोग यही बातें कर रहे थे कि बहुत हम लोग परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखिए पूरी मतलब शॉप एकदम खाली है, कोई भी नहीं था कोविड की वजह से। और पुलिस गाइस ऐसी चक्कर लगा रही है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे मार्केट में ना पहले जैसा ही फिर वो लोग दहशत एकदम नहीं हो जाती है, उस समय जैसे कोविड था तो कर रखे थे वैसे ही हो गया है। पुलिस एकदम दौड़ रही है मार्केट में, चक्कर लगाते ही जा रहे हैं गाड़ी से, तो इस वजह से। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी जो है कि यहाँ से वही मैं 1-2 दिन चीज़ें लेनी थी, जो मुझे गार्बेज बैग लेना था और थोड़ा सा कप मैंने देख लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कहीं कोविड की वजह से फिर ना बंद हो जाए। और कप ज़रूरी होता है, कप थोड़ा मतलब रहता है, तो क्योंकि ना गिलास से कोई पीता नहीं है, कॉफ़ी हो गई चाय वगैरह हो गई, तो इसी वजह से मैं सोची ना ले लेती हूँ, 1 सेट कप भी ले लेती हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं था ये, बहुत ही वीक था, बट ले लिया हमने, कहा कि अपना ज़रूरत है तो लेना ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद गाइस देखिए ये आ गई थी मैं ग्रोसरी की शॉप पे, और यहाँ पे गाइस ना बहुत ही ज़्यादा मतलब भगदड़ मची हुई थी, पुलिस वाले आए थे, एक्चुअली किसी का चालान काट दिया था उन्होंने। तो ये जो अंकल है ना वो भी देख रहे थे बार बार कि कहीं ना हम लोगों का भी कुछ होना, तो वो बोल रहे थे थोड़ी दूरी बना के रहिए, मास्क लगा के रहिए आप लोग। तो यही है, फिर उसके बाद गाइस हम रूमा ने जो है कि सब्जी वगैरह ली और पूरा थैला भर गया था ग्रोसरी वगैरह से सब कुछ से। तो फिर रूमा को मैंने भेज दिया, फिर दोबारा आई वो, फिर जो है कि सोना को लेके आई, फिर हम लोग कैसे जैसे तैसे जो है कि सभी सब्जियाँ और जो है ग्रोसरी वगैरह जो ज़रूरत जो ज़्यादा थी, तो वो सब चीज़ें मैं लेकर फिर हम लोग जो है कि घर गए थे। और गाइस बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर कब तक ऐसा चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और हम लोग आए फिर ये देखिए मैं आ गई थी, थोड़ा फ्रूट वगैरह ली, और उसके बाद गाइस थोड़ा घी वगैरह नहीं था, तो यहाँ पतंजलि के स्टोर है एक अंकल का, तो वहाँ से घी वगैरह हमने लिया। और उसके बाद गाइस मैं जो है ना कि घर चले गए थे हम लोग। तो गाइस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।